फ्रेंड्स, एक प्रेस रिलीज आई है जीएसटी के संबंध में, जिसके संबंध में हम लोग डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी 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 इम्पोर्टेंट। ये प्रेस रिलीज हमें जानना चाहिए कि इसमें क्या दिया हुआ है। और जैसा कि अभी तक आपने देखा भी है कि कई सारे प्रोफेशनल्स वो जेल जा चुके हैं, उनको परेशानी का सामना करना पड़ा है। उसके विषय में ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। रेगुलरली आप लोगों को भी सुनने में आता है और एक बड़ा मैटर भी अभी हो गया था, वो भी आप लोगों ने सुना था, बहुत चर्चा में भी रहा था। तो हमें ये जानना है कि आज की डेट में टैक्स प्रोफेशनल्स हों, चाहे अकाउंटेंट्स हों, सीए हों, सीएस हों या टैक्स लायर्स हों, इन सभी को जीएसटी में बहुत ध्यान से चलने की जरूरत है और जो जीएसटी के कंप्लायंसेज हैं उनको भी ध्यान में रखना जरूरी है। और इस प्रेस रिलीज के माध्यम से हम जानेंगे कि ये प्रेस रिलीज उन्होंने क्यों दी है और इसके पीछे उनकी मंशा क्या है। तो आइए देखते हैं कि इस प्रेस रिलीज में इन्होंने क्या दिया हुआ है। ये प्रेस रिलीज जो है ये 7 अगस्त 2022 की है, जिसके संबंध में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये है सीजीएसटी भिवंडी कमिश्नरेट बस्ट अ केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ जीएसटी एंड फ्रॉडुलेंट अवेलमेंट ऑफ आईटीसी अमाउंटिंग टू ₹78 करोड़। सीजीएसटी भिवंडी कमिश्नरेट इन मुंबई जोन बेस्ड अपॉन ए स्पेसिफिक इंटेलिजेंस हैज बस्टेड अ केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ जीएसटी एंड फ्रॉडुलेंट अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अमाउंटिंग टू ₹78 करोड़ अगेंस्ट मैसर्स एएस एग्री एंड एक्वा एलएलपी हैविंग जीएसटीआईएन। तो यहां पर इस फर्म का नाम भी दिया हुआ है और उसका जीएसटी नंबर भी दिया गया है। क्यों दिया है ये भी आगे देखते हैं। बेस्ड ऑन मटेरियल एविडेंस गैदर्ड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन थ्री पार्टनर्स ऑफ सेट फर्म वर अरेस्टेड ऑन 7 अगस्त 2022 अंडर सेक्शन 69 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 फॉर कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 132 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 हु एस्टैब्लिश्ड द फर्म अलोंग विद 16 अदर पार्टनर्स एंड दे वर सेंट टू जुडिशियल कस्टडी टिल 12 अगस्त 2022। यानी एक ये फर्म थी एएस एग्री एंड एक्वा एलएलपी, जिसका जीएसटी नंबर भी दिया हुआ है। इनके खिलाफ काफी एविडेंस मिले जिसकी इन्वेस्टिगेशन की गई और उसके बाद इनके तीन पार्टनर्स को अरेस्ट किया गया 7 अगस्त 2022 को, और इसके बाद इनको भेज दिया गया कस्टडी में। कब तक के लिए? 12 अगस्त 2022 तक के लिए। अब देखते हैं कि मैटर क्या है, केस क्या था। द सेट फर्म हैज नॉट डिस्चार्ज द जीएसटी लाइबिलिटी अमाउंटिंग टू ₹53 करोड़ ऑन एडवांस पेमेंट अमाउंटिंग टू ₹292 करोड़ रिसीव्ड फ्रॉम द रिसिपिएंट्स ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉली हाउसेस। देखिए, इन्होंने जो 292 करोड़ रुपए रिसीव किए थे, एडवांस पेमेंट रिसीव किए थे, उसकी जो टैक्स लाइबिलिटी थी, जीएसटी लाइबिलिटी थी 53 करोड़ की, वो इन्होंने जमा नहीं की थी। अब देखिए, ज्यादातर जो इस तरह की कार्रवाई हो रही है वो उन्हीं लोगों पे हो रही है जो टैक्स समय से नहीं जमा कर रहे हैं, जो उनकी लाइबिलिटी है उसको डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं, या फिर जो फ्रॉडुलेंट तरीके से आईटीसी क्लेम कर रहे हैं। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन्हें सावधान होने की जरूरत है, और जो लोग इससे संबंधित कार्य कर रहे हैं उन्हें भी ये समझने की जरूरत है, क्योंकि इसकी आंच उन तक भी आ रही है। तो जो लोग इसके इन ऐसे फर्मों के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे अकाउंटेंट हों चाहे प्रोफेशनल्स हों, उनको भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, तो उन्हें भी ध्यान से काम करने की आवश्यकता है। और आगे देखते हैं क्या होने वाला है। इन्होंने और क्या किया, विच इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 क्लास बी ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। फर्दर द सेट फर्म हैज फ्रॉडुलेंटली अवेल्ड आईटीसी अमाउंटिंग टू ₹25 करोड़। यानी इन्होंने वहां तो अपनी लायबिलिटी को डिस्चार्ज किया ही नहीं, और उसके साथ 25 करोड़ रुपए की आईटीसी फ्रॉडुलेंटली अवेल कर ली दोनों तरफ से।
फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विच इज नॉट अवेलेबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लास सी ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017। यानी जो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लास सी की थी, वो वहां पर बाढ़ थी, उसकी आपको आईटीसी क्लेम अवेल नहीं करनी थी, ब्लॉक्ड आईटीसी थी, उसको भी आपने क्लेम कर लिया और जो आपकी लायबिलिटी थी उसको आपने डिस्चार्ज नहीं किया। अब देखिए ये केस पकड़ में कैसे आ रहे हैं वो भी समझना जरूरी है। दिस केस इज अ पार्ट ऑफ द स्पेशल ड्राइव लॉन्च्ड बाय द सीजीएसटी मुंबई जोन अगेंस्ट द टैक्स फ्रॉडस्टर्स एंड फेक आईटीसी नेटवर्क्स। तो इन्होंने क्या किया, एक स्पेशल ड्राइव लॉन्च की है और इस स्पेशल ड्राइव के माध्यम से ये इनको पकड़ रहे हैं, किसको, टैक्स फ्रॉडस्टर्स एंड फेक आईटीसी नेटवर्क को। तो सीधे सीधे ये नेटवर्क को टारगेट कर रहे हैं और ये स्पेशल ट्राइब जो है इस तरह के केसेस खोलने में इनकी मदद कर रही है। सो फार सीजीएसटी भिवंडी कमिश्नरेट हैज अरेस्टेड 14 पर्सन इन लास्ट वन ईयर इटसेल्फ। यानी इस ड्राइव के माध्यम से अभी तक 14 लोग अरेस्ट किए जा चुके हैं, केवल ये बता रहे हैं सीजीएसटी भिवंडी कमिश्नरेट कि इस स्पेशल ड्राइव का ये फायदा है कि बड़े बड़े इस तरह के केस उनको हैंडल करने को मिल रहे हैं जिसमें गलत तरीके से आईटीसी का क्लेम किया है और 14 लोगों को ये अरेस्ट भी कर चुके हैं। सीजीएसटी ऑफिसर्स आर यूजिंग डेटा एनालिसिस एंड नेटवर्क एनालिसिस टूल्स टू आइडेंटिफाई एंड ट्रेस द पोटेंशियल फ्रॉडस्टर्स। देखिए ये क्या कर रहे हैं, कौन से टूल इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी बता रहे हैं और कैसे नेटवर्क को पकड़ रहे हैं, इसलिए हमें भी इस चीज को समझने की जरूरत है और हम इसको आगे आपको डिस्कस करेंगे और बताने वाले भी हैं कि इसके लिए हमें करना क्या है। तो ये क्या कर रहे हैं कि यूजिंग डेटा एनालिसिस एंड नेटवर्क एनालिसिस टूल टू आइडेंटिफाई, इस तरीके से ही आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सीजीएसटी ऑफिसर्स विल इंटेंसिफाई दिस ड्राइव अगेंस्ट द टैक्स इवेडर्स इन द कमिंग डेज। तो आने वाले दिनों में ये और ज्यादा मामले खुल करके सामने आने वाले हैं, इसलिए अब हमें चाहिए कि हम ऐसा करें कि अगर अपना जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं, जो भी बिजनेसेस हैं, उनमें ये चेक करें कि कहीं हमारे द्वारा ऐसी कोई गलती तो नहीं हो रही है, जानबूझकर या अनजाने में अगर हमारे द्वारा कोई मिस्टेक ऐसी हो रही है तो उसको हम समय रहते सुधार लें, अदरवाइज हमें इस तरह की कठिनाइयों का सामना आने वाले समय में करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो बहुत तेजी से इस संबंध में काम कर रहे हैं। तो हमें ये चेक करना जरूरी है कि कहीं हमारे द्वारा ऐसी कोई ब्लंडर मिस्टेक तो नहीं हो रही है, या हमने जानबूझ करके कर रखी है तो हम उसको रेक्टिफाई तुरंत से तुरंत करें, जिससे हमें इस तरह की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। थैंक यू।